नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। जिस कांग्रेस पर सुस्ती के आरोप थे, जिस कांग्रेस पर सरकार की खामियों को सामने लाने की जिम्मेदारी थी, फिर भी खामोश थी। अब एक मुद्दे ने उस विपक्ष को, उस कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। प्रियंका की जिद ने फिर से कांग्रेस को वो धार दे दी है जिससे विपक्ष के दूसरे दलों में भी ऊर्जा जाग गई है। नए तेवर, नई मेहनत और चेहरे पर चुनौती के भाव ऐसे जो बता रहे कि प्रियंका कांग्रेस की कमान अपनी शर्तों पर संभालने को तैयार हो चुकी हैं, जिसमें कार्यकर्ता शामिल हैं, स्थानीय नेताओं का साथ है और विश्वास है जनता के साथ को खुद के साथ लाने का। जब प्रदेश की दूसरी पार्टियां सोनभद्र हिंसा पर सदन में हंगामा कर रही थीं, तब प्रियंका ने जमीन पर जाकर धूप में सियासत का वो तप किया जो सरकार के पसीने छुड़ा गया और संदेश भी यही गया कि सोनभद्र तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है जिसके लिए प्रियंका तैयार है, पार्टी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस अभी जिंदा है। कुछ नहीं करूंगी जब तक इन लोगों को नहीं आने देंगे। तो परिवर्तन की आंधी, प्रियंका गांधी के नारे चुनाव के दौरान लगे थे, लेकिन परिणामों में वो बात नहीं आई। तो जमीन पर उतरकर किस तरह से प्रियंका गांधी अपने तेवर दिखा रही हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, सोनभद्र के मुद्दे पर संग्राम कर रही हैं और हाहाकार के बीच किस तरह से कांग्रेस को फिर से संजीवनी दे रही, इन बयानों के जरिए पहले समझाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के जरिए 10 लाख का अनुदान हर परिवार में जहाँ पे एक हत्या हुई है मृतक परिवार को अनुदान मिलेगा। घायलों के लिए भी हम कुछ अनुदान देंगे, वो भी तय नहीं हुआ कि कितना। तो कांग्रेस को किस तरह से प्रियंका संजीवनी दे रही हैं, कांग्रेस की आगे की राह को कैसे अब प्रियंका तय करेंगे और विपक्ष जो अभी तक सुस्ती दिखा रहा था, जो मैदान से गायब दिख रहा था, उसको किस तरह से एक बड़ा संदेश दे गई हैं, जमीन पर तप करके, जमीन पर जाकर पसीने बहाकर प्रशासन के सामने किस तरह से मजबूती से अपने आप को स्थापित करके प्रियंका ने संदेश दिया है, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एसएम अशरफ साहब हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ सिद्धार्थ कलह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे आलोक अवस्थी जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। अभी तक विपक्ष सुस्त था और राजनीति में ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी अगर गलती करेगी तभी विपक्ष को मौका मिलेगा और आपको लगता है कि सोनभद्र की घटना के बाद बीजेपी ने वो गलती कर दी है? अब नहीं, आप किस तरह की गलती की बात कर रहे हैं सोनभद्र की घटना पर जो भाजपा सरकार ने करी, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला सर राजनीतिक चूक नहीं है, बीजेपी की मौका दिया यहाँ पर, प्रियंका वहाँ पर गई, माहौल बनाकर चली आई, एक भावनाएं उनके साथ जुड़ी, जनता का साथ मिला, तो क्या ये राजनीतिक चूक नहीं है बीजेपी की? मुझे लगता है अगर आपने मुझे आमंत्रित किया है तो कम से कम मेरी बात सुनने का भी प्रयास करें। सुनाइए साहब, अगर आप एकदम से टोक देंगे तो मैं बात नहीं कह पाऊंगा। जी बताइए, आप बोल लीजिए या कहिए, मैं बात करूं। नहीं बताइए सर। देखिए, ये जमीन का मैटर था, 1955 से चल रहा है, तब उसमें कांग्रेस सरकार थी और इसके बाद से, घटना के बाद से सारी कार्रवाई हमने करी है, जितने वांछित अभियुक्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया है, जितने जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने इसमें ढिलाई बरती है उनको मुअत्तल किया है, उनको जो है हम लोगों ने जो है सस्पेंड किया है, जांच बैठा दी गई है और उनके खिलाफ जो भी जांच के बाद निष्कर्ष आएगा उनके खिलाफ उनकी बर्खास्तगी तक भी हम जाएंगे। इसलिए सरकार के संज्ञान में जैसे जो चीजें आई सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है। अब बात का आप कर रहे हैं वहां पर राजनीति की, तो कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि खून पे राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, चाहे वो देश के विभाजन का मामला रहा हो, चाहे वो कश्मीर का मामला रहा हो, चाहे आपातकाल का मामला रहा हो, चाहे सिखों के नरसंहार का मामला रहा हो, और आज भी जो प्रियंका, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी वहां पर जो लाशों पर राजनीति करने गई है वो उसी की एक मिसाल है, जबकि उनको प्रशासन ने वहां पर मुलाकात करवा दी, उसके बाद भी वो धरने पर बैठी रही, इसका क्या अर्थ निकलता है? अशरफ साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करे, क्या विपक्ष का यहाँ पर सोनभद्र में जाना लाशों पर राजनीति था, क्या प्रियंका का वहां पर इस तरह से जाना कोई गलत संदेश दे गया? मुझे हैरत हो रही है कि आलोक अवस्थी साहब, ठीक है सरकार में आप बहुत बड़ी बहुमत से हैं, इस तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। इनिशियल आपके अपने कमेंट में ही इन्होंने आपको टोकने की कोशिश कर दी कि पहले मेरी बात जो है पूरी होने दीजिए फिर आप बीच में टोकिए, जबकि एंकर का अपना राइट होता है कब कहां वो इंटरवीन करेगा।
तो ये इतना एरोगेंस इन लोगों के पास है, इस बात को नहीं कबूल करते कि एक ऐसी जगह पे जहां पे एक न्यूली अपॉइंटेड डीएम जिसकी सरासर मिस्टेक थी, इस तरह के ऑर्डर्स वहां पे पास होते हैं और 300 से ज्यादा लोग वहां पहुंचते हैं, एक ऐसा नरसंहार होता है कि किसी का भी दिल हिल जाएगा। ऐसे में कोई भी अपोजिशन लीडर, प्रियंका गांधी या कोई हो, जब लाख कानून का सम्मान करते हुए वो जाने की कोशिश कर रही है तो आप उसको लाशों की राजनीति करते हैं। यही चीज अभी दूसरे प्रदेश में यह चीज होती जो सबसे ज्यादा बावैला मचाते। अगर इतना ही आपको डर था तो आप अपने चीफ मिनिस्टर को खुद भेजते या कोई दूसरा मिनिस्टर जिम्मेदार जाता वहां जाने के बाद उनके साथ सांत्वना देता। आप वहां जाते नहीं है और दूसरों के जाने पर आप राजनीति की बात करते हैं। कम से कम आज तो आपको बहुत संभल के बोलना चाहिए था कि ठीक है अपोजिशन के लीडर है वो जाना चाहे जाए, कल कोई दूसरा जाना चाहेगा वो भी जाएगा। लेकिन मुझे तो हैरत होती है कि किस हद तक अहंकार है, कब तक ये बरकरार रहेगा। वो तो कह रही थी कि हम दो तीन लोगों के साथ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अवस्थी जी को कम से कम थोड़ा सा यहाँ पे आज तो कुछ संभल के बात करना चाहिए था कि अभी लाशों की राजनीति। आप ये सोचिए कि आप जब जाते हैं आप क्या करते हैं, जवाब दीजिए साहब आलोक अवस्थी जी। देखिए अशरफ जी समाजवादी पार्टी के हिस्सा रहे हैं, उनकी सरकार के समय में क्या हुआ था, इलाहाबाद में दंगा हुआ, वहां पर जाने से रोका गया नेताओं को, मथुरा में इनके लोग पार्टी के लोगों ने जो है जमीनों पर कब्जा करके वहां पे आतंक मचाया था। उससे आपके पाप धुल जाएंगे क्या, मेरे पापों से आपके पाप धुल जाएंगे क्या, लेकिन आपके पाप धुल जाएंगे क्या इससे? आप मानिए कि आपने पाप किया हुआ है, आप मानिए कि आपने गलत किया हुआ है। इंटरप्ट नहीं किया, आप क्या इंटरप्ट नहीं किया, आपने इंटरप्ट नहीं किया, सुनने का साहस रखिए। चलिए सुनाइए, साथ रखिए, चलिए साहस पैदा कर लेता हूँ, आइए चलिए साहस बनाता हूँ। पहली बात यह है कि जिस समय जहाँ पर बड़ी घटनाएं होती हैं, खास तौर से जहाँ पे बड़े परिवार वहाँ पे आहत हुए, 28 लोग घायल हैं, 10 लोगों की मृत्यु हुई है, वहाँ पे राजनेताओं को जो कि सुश्रीमती प्रियंका वाड्रा, राजनेताओं का जाना सियासत से पहले संवेदना का विषय है, जो पीड़ित परिवार है बीजेपी के बड़े नेताओं को सबसे पहले पहुँचना चाहिए था। प्रियंका जी ने जो किया उससे पहले तो बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए था ना साहब, सत्ता के जो नेता है वो वहाँ पे भरोसा जगाने जाते ना तो पीड़ित परिवारों को अच्छा लगता, आपने वो नहीं किया इसलिए प्रियंका को कदम उठाना पड़ा और उस कदम पर भी आपने यहाँ पर बाधाएं डाली। सुन लीजिए आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, वहाँ पे हमारे नेता वहाँ पर गए हुए हैं, बराबर वहाँ पे विधायक और सांसद लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है वहाँ पे पीड़ितों को मदद करने के लिए। आप सर्टिफिकेट देने से कि हमको वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, उससे इस बात को कहीं पे बल नहीं मिलेगा। सीधी सी बात यह है, जब सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे, सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो पीड़ितों के प्रति जो भाव होने चाहिए था वो खाली कार्रवाई और एक्शन की ढाल के सहारे आप आगे मत बढ़ाइए साहब। अब आप इसको सर्टिफिकेट कह रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है। जहाँ पर आप तो अगर देशभक्ति की बात करो तो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, सर्टिफिकेट का विषय नहीं है साहब, ये संवेदना का विषय है और सियासत में लाशों पर यहाँ पर सियासत की बात आप कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आप ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं इसलिए मैंने ये बात कही। आप बड़े पत्रकार रहे, कम से कम आप संभल के तो बोलिए। आप नहीं गए, मैं आप आपकी पत्रकारिता को मैं सम्मान सलाम करता हूं, लेकिन आप जो आप एक एंकर हैं, आपको दोनों पक्षों को ले चलना है, आप एक निर्णय नहीं सोच सकते किसी के ऊपर की आपको करना चाहिए था। इसलिए गंभीर मसला है ये प्रदेश में, एक गंभीर मसला है। यहाँ पर हम किसी भी राजनेता की सुरक्षा भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती, उत्तेजित लोग हमला कर देते एक राजनेता के ऊपर या कोई षड्यंत्र करके, जैसे याद होगा जो जो ये गांव प्रधान है कि समाजवादी पार्टी का समर्थक रहा है, वहां पे आज उसके तमाम विजुअल जो है मीडिया में चल रहे हैं, उसने सारा जो ये कांड किया है इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल रहे हैं और सामने से स्पष्ट दिख रहा है। अगर वो लोग इंतजार करते रहे संघार हो जाए, ये आपको पता है कि समाजवादी पार्टी को लोग थे और आप मूक दर्शक बने हुए थे, लोगों को जाने दिया नरसंहार करने के लिए। किस तरह की आप दो बात कर रहे हैं? अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है तो आपको कंट्रोल करना चाहिए था। आप इससे भाग्य नहीं, आप मानिए, अरे इससे नहीं होता, ये उंगली उठाने से और चिल्लाने से नहीं होगा। वस्ते साहब इसको मानिए, ये कंप्लीटली फ्लो है लाइन ऑर्डर और आपके तमाम हाई ऑफिशियल इसमें जिम्मेदार है। एक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीटली फ्लो है जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री को अपने ऊपर लेते हुए बीजेपी को सैक करने की जरूरत है। आप बड़े अधिकारियों को बचा रहे हैं बैठ के, आप मानिए कि गलती हुई है ये, क्यों आप इसको जो है डिफेंड कर रहे हैं? किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन राजनीति में किस तरह का संदेश गया और किस तरह का माहौल बन रहा है, चर्चा इसी पर है। प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है, आलोक जी आपकी बात आ गई, आलोक जी आपकी बात आ गई, फिर आपको मौका देंगे। प्रचार करता था, समाजवादी पार्टी का नेता था, कोरोना भैया बहुत हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, बहुत हो गया, अपनी बात करिए। प्रमोद गोस्वामी जी,
जिस तरह की तस्वीर बन रही है, प्रियंका ने जिस तरह से पिछले 48 घंटे में राजनीतिक फिजा बदली है, इस तरह से सियासत में किस तरह का संदेश गया, क्या यहां पर लाशों पर राजनीति का जैसी जैसी बातें की जा रही, क्या ऐसा हुआ या फिर ये जरूरत थी कि विपक्ष इस तरह से अपनी भूमिका अदा करे इतनी बड़ी घटना? देखिए शैलेंद्र जी, जहाँ तक लाशों पर राजनीति की बात हो रही है तो आप इतिहास साक्षी है, वो चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, चाहे वो इस समय भाजपा सत्ता में जरूर है, लेकिन राजनीति लाशों पे होती रही है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि लाशों पे राजनीति की जाए। प्रियंका, जब ये कहते हैं कि गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ वो खड़ी रहेंगी, उनकी संवेदनाएं समझेंगी, लड़ाई आगे तक ले जाएंगी, शैलेंद्र जी मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सवाल ये उठ रहा है कि लाशों पर राजनीति हो रही है, तो लाशों पर तो राजनीति ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी आलोक ने खुद भी कहा तो वो पहले भी ये रहा और आज भी यही स्थिति है, हर दौर में होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तो वहां जो घटना हुई, जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा कि वहां सपा के थे, वो प्रधान सपा का था, तो अगर इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस थी तो ये 10 कैसे मारे गए? बिल्कुल, मतलब सवाल ये भी टूटता है। तो जब ये मालूम था कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये कुछ भी उत्पात कर सकते हैं, तो इसके मतलब इंटेलिजेंट के कानों में तेल पड़ा हुआ था और ये बहुत बड़ा फेल्योर है और लॉ ऑर्डर के नाम पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। मुख्यमंत्री बराबर ये चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर यहाँ ठीक हो, मतलब फ्रॉम वन डे जिस दिन से ज्वाइन किया है, मैं समझता हूँ कि वो हर महीने डेढ़ महीने पर वो दिशा निर्देश देते रहते हैं, डांट फटकार करते रहते हैं कि अब की अगर नहीं सुधरे तो तुमको ठीक नहीं, नहीं सुधरे तो ठीक नहीं, लेकिन हालात जो हैं जमीन पर नहीं बदल, वो बदलाव उसमें नहीं आ रहा है। उसमें सीधी सी बात है कि लगता है कि या तो निश्चित रूप से ये अधिकारी पुलिस के इतने नाकारा हो गए हैं या इतने बेखौफ हैं कि उनको किसी बात की चिंता नहीं कि मुख्यमंत्री के, डीजीपी के, मुख्यमंत्री के ये तमाम निर्देश दिए जाते हैं और इतना बड़ा नरसंहार हो गया। मुझे लगता है कि ये बेमई कांड के बाद इतना बड़ा नरसंहार अब हुआ है। ठीक है, आलोक जी आएंगे आपके पास, अभी बोल लेने दीजिए दूसरे लोगों को भी। ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा सोनभद्र का सामने आया, ये ऐसा नरसंहार था जिसने एक बार फिर से विपक्ष के अंदर ऊर्जा भर दी, एक मौका दे दिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, सदन से लेकर सड़क तक अब यहां पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में किस तरह का संदेश गया और अब यहां से किस तरह से कहानी बनती देख रहे हैं आप? देखिए, जो राज्यों का प्रश्न है तो जिस भी राजनीतिक दल का शासन होता है वो एक परंपरा है और होनी भी चाहिए कि वो अपने को डिफेंड करता है, और जो विपक्ष होता है वो मुद्दों को उठाता है, और हर दौर में हमने इस हिंसा देखी है किसी भी राज्य में। अब इसको लेकर के सियासत करना भी गलत है, लेकिन सियासत से इसको दूर कर देना भी ठीक नहीं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का भी प्रश्न है, दोनों बातें मिली जुली हैं। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ, जैसे हम लोगों ने प्रियंका गांधी के विषय में चर्चा की, तो प्रियंका गांधी जरूर जाएं, वो जन नेता हैं, जन प्रतिनिधि हैं, उनको जाना चाहिए, अगर उनको शासन में और सत्ता में आना है तो उनको करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों का व्यक्तित्व समावेशी होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अपने राज्यों के प्रति तो पूरी तरह इग्नोरेंट है, कर्नाटक में कुछ हो जाए, राजस्थान में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, एकदम चुप गायब, और जब दूसरे राज्य में हो तो आप तुरंत बहुत ज्यादा अतिक्रियाशील हो जाएं, तो जनता में आपके प्रति विश्वास निर्मित नहीं होता, आपका व्यक्तित्व जो है। लेकिन खुद कांग्रेस के लिहाज से देखें, जिस तरह की बात की जा रही थी कि कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलता, स्थानीय नेताओं का, अब इसकी बात करते हैं, लेकिन आज उनका साथ लेकर इस तरह से आगे बढ़ी प्रियंका। देखिए, उनकी आक्रामकता देख करके ऐसा लगता है जैसा हम लोग पहले भी आपके कार्यक्रम में कहते रहे हैं, कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद के लिए कोई है नहीं, प्रियंका उसकी संभावित भविष्य दिखाई पड़ती हैं, तो प्रियंका को तीखे तरीके से आना पड़ेगा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, और इसमें कोई संशय नहीं है कि भविष्य में आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, वो एक परिवार से गवर्न होने वाली पार्टी है, तो वैसे भी उनको आक्रामक होना है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने अपनी असमर्थता से उनको मुद्दा भी दे दिया, ये दोनों स्थितियां यहाँ पर मिलजुल कर इस मामले में अगर जरा भी खास करके भारतीय जनता पार्टी, अगर सरकार, अगर उनको ब्रजेश जी वहां जाने की, जो उन्होंने ने ये भी कहा था कि तीन लोग अगर दे देते तो शायद इतना ये इशू ही नहीं बन पाता, ये भारतीय जनता पार्टी वही जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि दूरदर्शी, अगर बीजेपी पहले की घटनाओं पर कोई कठोर कार्रवाई कर चुकी होती तो आज इस घटना की पुनरावृत्ति होने की संभावना, सिद्धार्थ जी है ना, ये बात भी यहां पर 48 घंटे को देखें और प्रियंका के रुख को देखें, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में अब कहानी बदल रही है? जिस तरह से जमीन पर मेहनत होनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं का साथ चाहिए था, स्थानीय नेताओं का साथ चाहिए था, इस धरना प्रदर्शन में वो सारी चीज तौर पर सामने आई और सरकार के खिलाफ तीखे तेवर भी। देखिए, सही बात आपने कही कि
लोकसभा चुनाव में हार से जो हताश और पस्त कांग्रेस थी और कांग्रेसी जो निराश थे, उनमें एक जान फूंकने का काम प्रियंका गांधी के इस पूरे प्रकरण पे इस तेजी ने, इस तेवर ने जरूर किया है। दूसरा ये भी रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की ये हाल फिलहाल के दिनों की सबसे बड़ी घटना है, जहां इतने बड़े पैमाने पर आदिवासियों का संहार हो गया और इस पूरे मुद्दे में बहुत सारी पार्टियों को जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं, इन्हें हमने कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ ट्वीट करते और बयान जारी करते देखा। ऐसे में प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ के मोर्चा संभाला, तो जो भी मोर्चा संभालता है विपक्ष की जमीन पर जो कब्जा करेगा, जनता उसी को विपक्ष मानेगी और जनता उसके पीछे खड़ी होगी। और रही बात जहां तक कि किसके काल में हुआ, किसने किया, कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां महीनों से धारा 144 लगी थी, उसी धारा 144 में 32 ट्रैक्टरों में भर के सैकड़ों की तादाद में लोग जाकर हमला कर देते हैं और वहीं चार आदमियों के साथ प्रियंका गांधी के जाने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। जाहिर सी बात है कि आप आज भी मान रहे हैं कि चार या पांच आदमी या दस आदमी भी अगर प्रियंका गांधी के साथ जाएंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल सकते हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ से चला गया है। सोनभद्र में आप खुद मुतमयन नहीं है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को आप संभाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो भी कदम उठाया, इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं, ये नहीं गए। प्रियंका गांधी ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और आज प्रियंका गांधी विपक्षी आवाज बन गई वहां पर। तो ये प्रियंका गांधी का कांग्रेस के लिहाज से भी एक सही कदम था और वहां की जन आकांक्षाओं के हिसाब से भी सही कदम था। मुझे लगता है कि जो काम प्रियंका गांधी सरकार का रोकना, बार बार उन पर जो है रोक लगाना, सरकार ये किस तरह का संदेश सरकार गया? का जो रोकना था, मुझे लगता है कि सरकार ने एक जो सलाहकारों का जिसने भी सलाह दी होगी, हुई पार्टी की तरफ से चूक हुई कि एक ही दिन में दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक खुद मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, दोनों लोग सीधे प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। 1955 नेहरू जी के जमाने से और 1989 नारायण दत्त तिवारी के जमाने तक जो है वो इस पूरे घटना का दोषारोपण किया जा रहा है। अरे भाई, 1955 में माना की जमीन दे दी गई थी, लेकिन 10 आदमियों का नरसंहार तो नहीं हुआ था। एक घंटे तक फायरिंग होती रही साहब, आज के समय में होती रही, और उसके बाद आप 1955 की कहानी दोहराएं। और अब वहां के वीडियो जो आ रहे हैं घटना के तुरंत बाद के गाँव के, कि वो लोग लगातार फोन कॉल करते रहे हैं लेकिन पुलिस 11 दिन पहले मदद भी नहीं मिल रही है पुलिस की, जिला प्रशासन को दे दी गई। गोस्वामी जी ने कहा भी और अशरफ साहब भी कह रहे थे कि भाई आपके पास अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई सपा का आदमी है वो प्रधान या वहाँ इस तरह की घटना हो। अच्छा, राजनीतिक महकमे में किस तरह का संदेश गया पिछले 48 घंटों को देखिए? सी बात है, राजनीतिक महकमे में संदेश गया है, दूसरी पार्टियों को भी अलर्ट कर गई प्रियंका, जो लड़ता दिखेगा वही सामने आएगा, जनता उसके पीछे होगी। ठीक, और लोकतंत्र में पक्ष के साथ एक विपक्ष भी होता है, विपक्ष जो मजबूती के साथ खड़ा होगा उसके पीछे भी जनता रहेगी। हो सकता है पक्ष के जो सत्ता पक्ष हो उसके पास ज्यादा हो, लेकिन विपक्ष के पीछे भी लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि उन जन आकांक्षाओं को, उन जन भावनाओं को प्रियंका ने बुनाने में कामयाबी पाई है। आलोक अवस्थी जी रिस्पॉन्ड करिए साहब, कह रहे हैं कि जो है आपकी जो है चूक हुई जिसकी वजह से अब प्रियंका को मौका मिला और आपके सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अब बहुत लड़ाई है। देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है, इसमें हमारी पार्टी और सरकार की पूरी गहरी संवेदना है। हमारा पहला जो लक्ष्य था कि हम जो घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज मिले, जिलाधिकारी को पर्सनल वहां पे लगाया गया कि आप पहले इलाज दीजिए, उसके बाद जो व्यक्ति दोषी थे तत्काल, जैसे एसडीएम होता है जो जिले का राजस्व का जो है वो अधिकारी होता है, जो वहाँ का सर्किल ऑफिसर है, जो वहाँ का इंस्पेक्टर जिसके बीट है, वहाँ के जो हल्के के सिपाही और दरोगा हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने अपनी कार्रवाई में कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी है। ये लैंड डिस्प्यूट का मामला रहा है और बहुत पुराना रहा है, कम से कम 50 वर्ष से ऊपर इसका विवाद चल रहा है। अगर इस संज्ञान में वहाँ पे लोकल प्रशासन के होता तो ऐसी कार्रवाई नहीं होने पाती। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर है, अपराधी जेल के अंदर है,
गले में तख्ती लगा करके घूम रहे हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, कश्मीर घूम रहे हैं, 82 से अधिक वो एनकाउंटर में मारे गए हैं, 3,000 से अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर भेजे गए हैं, 15,000 से अधिक अपराधी अपनी जमानत रद्द करा करके जेल के अंदर गए हैं, और हमने ऐसे भू माफियाओं को जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इस तरह का ये भी मामला रहा है। आंकड़े आपने बड़े जबरदस्त हमको सुना दिए हैं सिद्धार्थ जी, नहीं मैं कह रहा हूं सत्य है वो बता रहे हैं, और सीधी से बात आंकड़े जो दिए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी में खत्म है, एक भी रोड होल्डअप की घटना नहीं है, एक भी दंगा नहीं है, एक भी जो है क्या कहते हैं राजनीति की घटना नहीं है, इस तरह की घटना है, हमने कार्रवाई करी है, हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, जिन अधिकारियों ने अपराधी जेल में है, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, तो ये क्या कोई संत तो गोली चलाने गए नहीं थे सोनभद्र में या संभल पर पुलिस से फायरिंग करके पुलिस वालों को मार देने वाले? आज भी गोरखपुर में घटना जमीन के विवाद को लेकर नहीं, मेरा सवाल तो ये है आलोक अवस्थी जी, मेरा सवाल ये है कि जो पुलिस आपकी इतने बड़े संख्या में अपराधियों को जेल में डाल रही है, एनकाउंटर कर रही है, अपराध में लगाम लगा रही है, तुरंत अपराध रोकने के लिए जा रही है, वो एक घंटे तक सोनभद्र में जब अपनी जमीन बचाने के लिए आदिवासी सीने पर गोली खा रहे थे तो आखिर कहां थी? निश्चित बात से वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती करी है, उसका दंड उनको मिला है, उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य भी के मामले दर्ज किए जाएंगे, रिपोर्ट आने दीजिए, हमने तत्काल कार्रवाई अशरफ साहब लोगों पे रिपोर्ट कार्रवाई एक्शन तत्काल जो है त्वरित एक्शन, सरकार की मंशा उलझी रहेगी इस तरह की जनता की सुरक्षा है और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, जो अधिकारी पाबंद नहीं होगा उसको हम ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही। अब आप देखिए जहां तक लैंड ऑर्डर का इशू है, प्रतापगढ़ के अंदर बीएसपी लीडर को गोली मार दी जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते, लखनऊ में एक घटना होती है, एक बच्ची को 50 ब्लेड मारते हैं आप, उसके बाद राजधानी की एक घटना होती है, संभल के अंदर आप किस लैंड ऑर्डर कानून की बात करते हैं? एक डीजीपी को आपने इतना फ्री हैंड दे रखा कि आप जब वो चाहें इतनी एक्सेस है कि चीफ मिनिस्टर से कान में वो बात करते हैं, तो सवाल है कि इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? अलीगढ़ की घटना होती है, अगर एफआईआर लिखी करती बच्चियों बच्चियों अब जरा सुन लीजिए, अब जरा सुन लीजिए सर, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, चिल्ला के आवाज मत रोकिए, अब जरा सुन लीजिए, वहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती तो जिस प्रदेश में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी उस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हो सकती है? क्रिमिनल जो है जाकर थाने में बैठते हैं, आम आदमी डरता है, जेलों की पोजीशन इनकी है, वहाँ खाना चाय के पैसे, दाल के पैसे, मुर्गे के पैसे, यहाँ तक की नशीली दवाएं, बता बताइए, एक जेल मऊ की जेल का ये हाल है, उसके बाद आप जेलों के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर इतने ओवर बर्डन है कि जेल भी इनके पास, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास, रेवेन्यू भी इनके पास, सवाल यह है कितना बड़ा प्रदेश है, आप एक फुल फ्लेज होम मिनिस्टर क्यों नहीं अपॉइंट करते? और अगर डीजीपी अच्छा है इनको सेक करिए, दूसरा लेके आप आइए, आप कब तक रोना रोते रहेंगे बैठ के, कब तक बताते रहे, डेली घटनाएं हो गई हैं, कुछ घटनाएं टीवी पे आ जा रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, जो नहीं आ रही है वो आपको मालूम है, इंटेलिजेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, अफसोस होता है कि आप उसको डिफेंड करते हैं, आपको कहना चाहिए कि हम शर्मिंदा है, पिछली सरकारों की तरह ही हम बोलिए, हम पिछली सरकारों की तरह है, कोई फर्क नहीं हमारे। ब्रजेश मिश्रा जी, इस घटना के बाद जिस तरह से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, आपको क्या लगता है विपक्ष ने भूमिका अदा की और नहीं अदा की? तो क्या यहां पर जिस तरह से प्रियंका ने आगे आके फ्रंट फुट पर खेला, जिस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जमीन पर जाकर जिद की, वो एक राजनीति में नया एग्जांपल सेट कर गई, बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ा गई? देखिए ये इसमें मैं कुछ बातें जोड़ दूं, मैं विश्लेषक हूं, बाकी तो राजनीतिक दलों का अपना भाई पक्ष होता ही होता है लोकतंत्र के अंदर, कुछ बातें देखिए किसी पब्लिक काज के लिए खड़े होना तो बहुत जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, प्रियंका गांधी के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि अभी प्रियंका गांधी को मैं सुन रहा था आपके कार्यक्रम में, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी 10-10 लाख रुपए मुआवजा देगी, तो ये परंपरा गलत है। राजनीतिक दल जांच आयोग बैठाएंगे क्या अपनी पार्टी का? राजनीतिक दल मुआवजा देंगे क्या? राजनीतिक दल कोर्ट खोलेंगे क्या? ये लोकतंत्र में कोई सभ्यता वाली बात नहीं है, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपको मुआवजा देना है आप जाइए सिख दंगे के आरोप, सिख दंगे के प्लीज मैं आपका राजनीतिक पक्ष है, आप कहिएगा सिख दंगे इतने लोग मारे गए, कांग्रेस पार्टी उनको मुआवजा दे रही है क्या? ये कोई बात नहीं हुई। परिपक्व राजनीति देश चाहता है, प्रियंका जी उभरे
तो हम सबको शुभकामनाएं, लेकिन लेकिन आप कहां कहां, आप कांग्रेस शासित राज्यों में, नहीं आप कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध होंगे तो आप मुआवजा देंगे क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? और आप पार्टी के धन का स्रोत बताइए फिर, ये कौन सी स्वस्थ परंपरा आप लोग शुरू कर रहे हैं? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। अच्छा, बीजेपी ने जिस तरह से उन पर पाबंदी लगाई, उनको जाने नहीं दिया। देखिए, ऐसा होता है कि ये सब बातें तो चर्चा का विषय है ही हैं। इसको कौन सभ्य मनुष्य स्वीकार करने जा रहा है लोकतंत्र के अंदर? जो उसमें नकारात्मक पक्ष हैं उनकी भी चर्चा करनी आवश्यक है। बात ये हो रही है, मैं कहना ये है कि अगर एक परिवार पीड़ित है, उसमें एक पार्टी आगे से आगे इनिशिएटिव लेती है, एक पार्टी है, उसका अपना एक फंड होता है, वो मदद करना चाहती है, क्या घटना होती है, क्या दिक्कत आपको आ रही है? इस बात को आप कैसे कंडम करेंगे? एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई पार्टी भी कर सकती है। मुझको लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, आलोक अवस्थी साहब मदद करें, ये कोई इशू नहीं है। तो कहना ही इसको बेकार देखिए, ऐसा है, अशरफ जी की पार्टी तो कहीं है नहीं जमीन पर, और ना ही उनकी पूर्व पार्टी का जमीन पर रहेगी। आप भी कुछ नहीं थे डिबेट पर, आप भी कुछ नहीं थे पार्टियों की, आप भी कुछ नहीं थे। विश्लेषक है, जनता है, जनता है, एक आदमी बदलती है, सारे भरम गायब हो जाएंगे। आपको जनता है, नोट कर रहे हैं, समझा बताइए, आयदा देखिए, कोई आप कोई लिखवा के नहीं आए, देखिए आपने खरीदा है लोगों को, ये पब्लिक है, आज आपके साथ है, कल किसी के साथ आई है। ये इतना एरोगेंस मत रखिए, खून पीने वाले ये सब गायब हो जाएगी चीजें। लाशों पर राजनीति, मोदी जी के नाम पे आने का मतलब ये नहीं हो गया कि अपने नाम पे जीत के आएंगे। दबाने का प्रयास, आपको पता लगेगा 2022 में सही बात का यही खौफ मोदी जी को है, जो आज कैसे लोगों को हिदायत देते हैं। यही खौफ है मोदी जी को, यही खौफ है, यही खौफ मोदी जी को है कि हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए सुधार नहीं रहे, जनता के बीच में जा नहीं रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। 2022 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2020 में जमीन पर काम क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो जनता इनको वापस लाएगी, लेकिन काम करेंगे तो आप उस पर करेंगे, आप इस पर जो है तंज करेंगे, आप इस पर तंज करेंगे। अरे भाई, जनता की आवाज है, आपको कोई 100% लोगों ने वोट नहीं दिया है, आपको 40-50% लोगों ने दिया, आधी जनता आपके खिलाफ है। जनता का साथ देना हमारा काम है, उसके बाद वो मानेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, जनता की मर्जी है। अशरफ साहब, आप ये बताइए, जब यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से खाली सदन में हंगामा करने पर व्यस्त था, जब जमीन पे जाकर काम करना बिल्कुल सही, तब आप ट्वीट करते रहे, ऐसा कुछ नहीं। क्या प्रियंका का, सबका अपना अलग अलग अंदाज है, प्रियंका गांधी ने इनिशिएटिव लिया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सपा ने कौन सा, अरे ठीक है, सपा ने नहीं किया, प्रियंका ने किया, कौन सा नहीं किया उसको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसमें भी क्या परेशानी है? तय करेंगे कौन पहले गया कौन बाद में गया, कोई पहले गया ठीक है, कोई बाद में भी जाएगा, कौन सी चीज यही एंड हो जा रही है? लेकिन जो पहले गया उसको कैसे कंडम कर सकते हैं आप? जो पहले गया उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उस कदम को मैं हिमायत करता हूँ, बहुत अच्छा कदम है। अपोजिशन का मतलब अपोजिशन है, इससे मतलब नहीं कौन सी पार्टी है, जो जनता की आवाज उठाएगी जनता तय करेगी कौन किसका विकल्प है, कौन किसका बदला। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल सेट किया है प्रियंका ने, ये कांग्रेस में किस तरह से आगे वर्क करने जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने स्थानीय नेताओं का साथ लिया, कार्यकर्ताओं का साथ लिया, अब आपको लगता है कि जो 2022 का टास्क उनको दिया था, उसके लिए जमीन पर जो मेहनत करनी थी, जो जनता के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, प्रियंका वहां पर खड़ी नजर आ रही? देखिए, ये कहना कि प्रियंका गांधी विपक्ष की आवाज बन गई हैं या प्रियंका गांधी ने उस स्पेस को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, एक बड़ा कदम उठाया उन्होंने, ये अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर सही है कि प्रियंका गांधी ने जो वैक्यूम दिखाई पड़ रहा था, उस वैक्यूम को भरने का काम किया है। और अभी आने वाले समय में देखना है कि क्या ये एक एडवेंचरिज्म था, या प्रियंका गांधी लगातार अपनी मौजूदगी इस तरह के विषयों पर उत्तर प्रदेश में दर्ज कराती रहती हैं। एक बड़ा काम मैं ये मान सकता हूँ कि प्रियंका गांधी के इस कदम से कम
उनकी अपनी पार्टी का, अभी मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जनता उनको देखेगी, जनता उनको अभी लंबा समय 2-2.5 साल का बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, इन 2-2.5 सालों में प्रियंका गांधी के आगे की गतिविधियां क्या रहती हैं, कितना तेजी उनकी नजर आती है, ये अभी जनता को देखना है और तब जनता अपना फैसला लेगी। लेकिन कम से कम इतना उन्होंने किया कि उनकी पार्टी के ही जो देखिए राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खुद कांग्रेस पार्टी में जो उहापोह की स्थिति थी, जो उत्तर प्रदेश में इस समय प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है, मुझे ख्याल से दिखाई भी नहीं पड़े वहां पे जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस हताश पड़ी हुई थी, मात्र 6% वोट मिले, एक उनके पास लोकसभा का सांसद, दो भी खुद सोनिया गांधी, एक ऊर्जा आई है, तो उसमें एक ऊर्जा आते जरूर दिख रही है। और अगर प्रियंका गांधी इस तरीके से अगर अपने आप को इस वैक्यूम को, इस स्पेस को भरते हुए नजर आएंगी, तो जो भी भरते हुए नजर आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को वो सत्ता से हटा देंगी या क्या कर लेंगी, लेकिन हाँ एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में जरूर नजर आएंगी। आलोक अवस्थी जी रिस्पॉन्ड करिए। हाँ देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा विपक्ष की एक बड़ी नेता के बड़े पार्टी की नेता हैं। हाँ ये जरूर है, वो एक परिवार के मुखिया की परिवार से आती है, तो उनको सीधे राष्ट्रीय महामंत्री दे दिया गया, लेकिन मैंने और किसी नेताओं को नहीं देखा कि जो सीधे राष्ट्रीय महामंत्री कभी नियुक्त होते रहे हों। हाँ प्रियंका वाड्रा जी विपक्ष की आवाज बने, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर उनको वहां पर आरामपुर में भी जाना चाहिए, जहां पर आजम खान ने तमाम गरीबों की और आदिवासियों की तमाम अनुसूचित जातियों की जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ, जहां पर जो है तमाम विधवा महिलाओं की जमीनों पर कब्जा किया हुआ, वहां पर वो नहीं जाती है, सिलेक्टिव क्यों है, जहां पर उनके पति श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी किसानों की जमीनों के ऊपर हरियाणा के अंदर में इतनी जमीनों पे उन्होंने कब्जे करके उस पे जो है करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का जो रुपया इकट्ठा किया, वहां पर श्रीमती वाड्रा जी क्यों नहीं इन किसानों के बीच में जाकर खड़ी हुई है। इसी तरीके का मामला उनका जो है राजस्थान में चल रहा है, वहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं गई है, आज उत्तर प्रदेश में आई है, उनका स्वागत है, आना चाहिए, विपक्ष के नेता है, उनको अपना काम करना चाहिए, लेकिन उनका सेलेक्टिव नजरिया कि यहां पर कुछ और वहां पर कुछ, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कांग्रेस इसीलिए मेरा आरोप है क्षुद्र राजनीति कर रही है, लाशों पर राजनीति कर रही है, इससे इसका जहां घटना हो अगर ये संवेदनशीलता है तो फिर राजनीति की सच्ची राजनीति तो यही है कि जहां भी कोई ऐसी चीज है तो वहां समान रूप से देखा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है या राजनीति में ऐसा करते नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट इस देश की राजनीति का है कि यहाँ सिलेक्टिव राजनीति होती है कि कहां हमको राजनीतिक स्पेस मिलेगा हम वहां राजनीति अपनी करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो सिद्धार्थ जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ एक तो चीज सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि पिछले लगभग 30 वर्षों में ये शायद पहला अवसर इतना बड़े नरसंहार में विपक्ष के कांग्रेस की छोड़ दी, लेकिन विपक्ष की जो चुप्पी या विपक्ष ने जो उसका अंदाज है जो शोर शराबा होना चाहिए, मुझे याद है मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में नहीं थे, सत्ता के बाहर थे, जरा सी कोई घटना हो जाए तो वो अपना वहां पर कूच कर देते थे, सड़क पे बैठ जाते थे, धरने पे बैठ जाते थे, मतलब पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा कर देते थे। ठीक है, वक्त की कमी है हमारे साथ, ब्रजेश मिश्रा जी फाइनल कमेंट और उसके बाद अशरफ साहब आपके पास। देखिए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जो बड़ा नेतृत्व होता है, अभी तक राहुल और प्रियंका को एक बहुत बड़े परिवार का सदस्य मान करके ही जनता जानती है, अगर कोई जुझारू छवि इनकी बनती है तो इस घटना से बननी शुरू हो सकती है, लेकिन लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई भी लंबी है और इतनी जल्दी इतना व्यापक निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। मैं बार बार कहूंगा प्रियंका गांधी बहुत जुझारू नेता बन गई। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि बहुत बड़ी घटना है, इससे मुझे उम्मीद करता हूं कि ये सरकार से काफी कुछ पर आलोक जी कह रहे हैं कहीं जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे हैं, इसे गलत संदेश जा ही नहीं रहे, अभी तो मैं इनको सजेशन दे रहा हूं, सरकार के प्रवक्ता हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे, शायद इस घटना से बहुत बड़ा सबक सरकार ने लिया होगा, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल दिमाग से हटा दी गए अधिकारी आपको डुबा देंगे अगर आपने इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया, ये मेरी बात को याद रखिएगा, फिर यही जनता है आपसे सवाल मांगेगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आलोक अवस्थी जी फाइनल कमेंट।
देखिए निश्चित रूप से ये दुखद घटना है और वहाँ पर जो एसडीएम और वहाँ क्षेत्राधिकारी डीएम को अब तक आपने एक्सक्लूज नहीं किया था, लोकल लेवल सारा जिम्मेदार वहाँ के डीएम है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अभी डीएम ने उनके कार्रवाई कर दिया, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, कहानी बदलनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ के जिलाधिकारी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए। वहाँ के जिलाधिकारी ने जो वहाँ पे ये निश्चित निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति जिस जो जमीन को जोत बो रहे हैं वो उनको जोतते बोते रहेंगे, वहाँ पर कोई भी दाखिल खारिज की कोई घटना, यही काम पहले वो करते तो ये घटना बच जाती। एक बात और, जो ये घटना ही नहीं होती, आप उन डीएम को मत बचाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत बचाइए जनता के साथ और जनता के विकास के लिए। इनको बचाएंगे तो जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, ये बार बार बोल रहा हूँ, क्या ऐसी मजबूरी है ये आपको देखना है। ठीक है ब्रिजेश जी, बात देखिए, मैं कहूंगा राजनीतिक घटनाओं में इस तरह से राजनीतिज्ञों को सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। 2016 में मथुरा मैसेकर 24 लोग मरे थे जवाहर यादव वाले है ना, तो उसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। ठीक है, अपनी राजनीति के लिए कोई क्रेडिबल पॉलिटिक्स देश में शुरू हो, अपने ये जरूरी है। लेकिन प्रियंका ने अपने आप को स्थापित करने के लिए उस समय बीजेपी बिल्कुल खामोश थी, बड़ी खामोशी से कह रही थी कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, गलत तो बोलिए फिर इस बात को। मैंने कहा कहिए ना कि बीजेपी भी राजनीति कर रही थी, ये नहीं यही बन जा रहे हैं आप, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ मजबूरन, आप बोलिए इस बात को कि जब वो घटना हुई थी तो बीजेपी राजनीति कर रही थी, ये नहीं बोलेंगे।